अपडेट देने के क्रम में हम आ गए हैं गोविंद चक और हम खड़े हैं हाजीपुर छपरा पुराना नेशनल हाईवे के पास और अपडेट देने जा रहे हैं आपको सोनपुर दीघा पुल का जो नया पहुंच पथ बन रहा है उसका अपडेट आपको देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है और कब तक कंप्लीट होने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्र सेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार। सामने जो स्कूल आप देख रहे हैं ये प्राथमिक विद्यालय है गोविंद चक में हाजीपुर छपरा पुराना जो NH है, नया NH तो शुरू नहीं हुआ है लेकिन ये पुराना NH के पास है, यहीं पर बन रहा है दीघा सोनपुर पुल का नया अप्रोच रोड, जो देख सकते हैं यहाँ पर पिलर बनकर तैयार है लगभग। इधर भी सरिया खड़ा कर दिया गया है, JBC काम कर रहा है वहाँ पे, मिट्टी को इस इधर से उधर ले जाने का काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। वीडियो देख के आपको खुशी होगी, काम के इम्प्रूवमेंट को देख करके खुशी होगी। काम जिस हिसाब से चल रहा है मुझे लगता है कि ये साल ख़त्म होते होते यहाँ तक तो कम से कम ये चालू कर देंगे। फिलहाल एक रास्ता चालू हो भी चुका है जो आपको आगे दिखेगा, उस रास्ते की तरफ चलते हैं जिसे देख करके आपको खुशी होने वाली है। अभी हम पुराने वाले NH से सीधा जा रहे हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है। ये थोड़ा सा पोर्शन इस जगह को आप छोड़ दें तो आगे जो सर्विस रोड है इस प्रोजेक्ट का, वो सर्विस रोड लगभग कंप्लीट होने को है। यहाँ से आगे तक, काफ़ी आगे तक आपको ये कंप्लीट दिखेगा और यहाँ पर आपको काम होता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काम हो रहा है। ये सर्विस रोड बजरंग चौक तक आपको लेकर के जाएगा और ये जो आपका जो बन रहा है नया अप्रोच रोड कम फ्लाईओवर जो बन रहा है उसके नीचे पैरेलल चलेगा और दीघा सोनपुर रोड में ये मिलेगा। और इधर NH जो हाजीपुर छपरा NH है उसमें तो ये मिल ही रहा है। गाड़ियां अभी इस पे दौड़ने लगी है और ये देख सकते हैं यहाँ पर एम्बैकमेंट अंडरपास जो है वो बना हुआ है और उसके बगल में मिट्टी रखा हुआ है और जो कारीगर हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी खेतों के बीच में ये रास्ता काफ़ी सुंदर लगता है, इधर से गुजरने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये सर्विस रोड कंप्लीट हो गया है, ब्लैक टॉप हो गया है, मतलब कालीकरण इसका कर दिया गया है और अब लोगों को बजरंग चौक से जो बायां मुड़ते थे छपरा जाने के लिए और पहलेजा घाट जाने के लिए तो मुड़ना ही पड़ेगा, और दायां मुड़ते थे सोनपुर और हाजीपुर जाने के लिए, उन्हें वहां से अब मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अब सीधे इस रास्ते से NH पे आ जाएंगे और NH से उन्हें अगर बायां छपरा जाना है तो बाएं और हाजीपुर सोनपुर जाना है तो दाएं जा सकते हैं। बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ेगा, हाजीपुर और सोनपुर की तरफ जाएंगे, उनका पीछा रेलवे क्रॉसिंग फिलहाल नहीं छोड़ रहा है। उधर से अभी जो रास्ता है उधर से भी जाने में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है वो तो, और इधर भी रेलवे क्रॉसिंग एक उनको क्रॉस करना होगा और बंद रहेगा कभी वो कभी खुला रहेगा, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग फिलहाल जो हाजीपुर सोनपुर की तरफ जाएंगे उन्हें गोविंद चक के पास जो रेलवे क्रॉसिंग है उन्हें वो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं मिट्टी भराई का काम, बारिश के वजह से थोड़ा सा काम ढीला हुआ था लेकिन अब मानसून साफ हो गया है और अब काम गति पकड़ने लगा है और मानसून में भी जो काम जहाँ पे बाधित नहीं हुआ है मानसून की वजह से वहाँ पर काम चलता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी को जो घेरने के लिए जो बैरियर है जो सीमेंट का बनता है फ्लाईओवर का वो यहाँ पर दिया गया है और ये ब्लैक टॉप देख रहे हैं। गाड़ियाँ इधर से काफ़ी आती जाती दिखी हमें और आपको भी दिख रही होगी, यहाँ पे मशीनें बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं निर्माण कंपनी की
यानी कि एसपी सिंगला की, वो यहाँ पर आपको दिखेगी, जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है और कहीं ना कहीं वो लगा हुआ है। तो ये हम बजरंग चौक के पास पहुँचने वाले हैं और बहुत कहे तो जल्दी इसका जो काम, जो स्पीड है, वो बहुत जल्द ये पूरा हुआ है। हालांकि इसको अभी आरा छपड़ा, माफ़ कीजिएगा, हाजीपुर छपड़ा फोर लेन में मिलाना है, तो इस तरफ तो हो गया है, उस तरफ का काम अभी बाकी है। उधर अभी मैं नहीं गया हूँ, उधर का अपडेट आपको नहीं दिया हूँ, एक बार दिया था बहुत पहले, तो उधर का भी अपडेट दूंगा कि क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ फिलहाल पुराने NH से दीघा सोनपुर जो बजरंग चौक के पास जो भी बनता है, वहाँ से लेकर के पुराना NH तक काम आप देख सकते हैं कि कैसा हुआ है, आपके सामने है, क्योंकि पुराने NH से ही हम आपको लेकर चल रहे हैं बजरंग चौक के तरफ पे। आगे आपको दिखाएंगे कि बजरंग चौक के पास से काम का क्या प्रोग्रेस है, कितना काम हुआ है, वो भी आपको दिखेगा इसमें। आप चलते रहिए। चौक हम पहुंच गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं किया गया है, थोड़ा दूर बचा हुआ है, और ये अंडरपास, काफ़ी बड़ा अंडरपास यहाँ पे बना है ताकि बड़ी गाड़ियों को भी परेशानी ना हो। ये अंडरपास, इधर से हम दीघा सोनपुर की तरफ अभी दाहिना मुड़ करके जाएंगे और वहाँ पर उधर से आपको स्थिति दिखाएंगे। सर अंडरपास को देख लें, कितनी चौड़ाई, कितना इसका क्षेत्रफल है, ये देख लें आप। सोनपुर ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, दीघा सोनपुर ब्रिज की तरफ पे बढ़ रहे हैं और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यही रैंप होगा, यहीं से शुरू होगा जो नया वाला अप्रोच रोड बन रहा है, सेकेंड फेज़ का जो अप्रोच रोड बन रहा है, यहीं से शुरू होगा और यहीं से दोनों भाग में गाड़ियाँ बंटती भी है। उधर से जा कर के आगे जाके बजरंग चौक के पास जहाँ पर अंडर पास आपको दिखा है, वहाँ से बाएँ छपरा की तरफ और दाएँ हाजीपुर सोनपुर की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब लोग सीधे यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं रोड पर, ये खंभे आपको डिस्टेंस बताएंगे कि क्या कहाँ है, कितना दूरी पे है, ये आपको सुविधा के लिए, ताकि आप लोग समझ सकें कि कहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये यहाँ से शुरू होगा, यही स्टार्टिंग पोर्शन है, यहीं से लोग चढ़ेंगे और उधर हाजीपुर छपरा फोर लेन के तरफ जाएंगे। जिन्हें पुराने वाले NH में जाना है वो बगल वाले रास्ते जाएंगे, लेकिन जिन्हें हाजीपुर छपरा फोर लेन को पकड़ना होगा वो सीधे यहाँ से चढ़ेंगे। यहाँ पे सड़कों पे, यहाँ पे काफ़ी इस तरह के संकेत आपको मिलेंगे कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपको दिखा रहा है कि क्या कितना दूरी पे है, सीमा होनी चाहिए सड़कों पे सुरक्षा के ख्याल से। ऐसे कई बोर्ड आपको इस रोड में, जब आप दीघा सोनपुर ब्रिज से सोनपुर की तरफ आएंगे तो काफ़ी बोर्ड इस तरह का मिलेगा जो सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि क्या कितना दूरी पर है, ये सारा कुछ दिख रहा होगा। तो अपडेट यही है कि जल्द ही सर्विस रोड तो चालू हो गया है, अब लोगों को दाहिने बाएं घूमने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सोनपुर ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप सीधा पुराने वाले NH तक आप इस सर्विस रोड की मदद से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, और जल्द ही बगल वाला भी चालू हो जाएगा। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंडियन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।